नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। तो ये हमारी मॉक टेस्ट की 8वीं सीरीज है। पहले के 7 वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट करना अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस बनती जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियोस पुराने वीडियोस देखते जा रहे हैं तो उसको आप रिवाइज भी करते जाइएगा कि मतलब अगर एक बार और वीडियो देखते जाएंगे जल्दी जल्दी तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो दोस्तों, एक पेन और कॉपी आप उठा लीजिए और हर एक सही आंसर अगर आप देंगे तो उसमें अपने आप को दीजिएगा एक नंबर यानी एक अंक। और दोस्तों, लास्ट में आप सारे अंकों को ऐड करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इससे रिलेटेड आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो देखिए, आपके ऑप्शंस है शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, सेना में चयन के लिए बनाया गया परीक्षण या उपयुक्त सभी। तो आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो आर्मी अल्फा प्रशिक्षण होता है ये तीनों जगह काम आता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो देखिए स्टैनफोर्ड बीने, वेस्लर, बीने साइमन या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, आप अपना सही उत्तर लगा लीजिए। तो लगा ही लिया होगा, तो आपका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, क्रियात्मक पक्ष में कितने स्तर होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला देखते हैं, कैटिल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कितनी संख्या बताई है। तो दोस्तों, कैटिल ने कितनी बताई है, 150, 159, 171 या 200। तो बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 171, 171। अगला देखते हैं, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत के संक्रियाओं को कितने खंडों में बांटा गया है। तो 3, 4, 5 या 6। देखिए, गिलफोर्ड के अनुसार बोला है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता निःशक्त जन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। तो निवारित कुष्ठ, अल्प दृष्टिवानता, श्रवण बाधिता, अधिगम अक्षमता। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवारित कुष्ठ। अगला देखते हैं दोस्तों, चलन विकलांगता वाले बालकों में सीमित होता है। तो क्या सीमित होता है, चलन, ठीक है, तो पठन, स्मृति, गति या बुद्धि। तो यहाँ पे आप अपना सही ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गति। ठीक है, आप अपने मार्क भी ऐड करते चलिए। अगला देखिए, उपलब्धि प्रेरक है शारीरिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपलब्धि किसका प्रेरक है या उपलब्धि प्रेरक कौन है या क्या है, तो आप अपना सही ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, तो ये थे, बताइए दोस्तों कौन थे, आप अपना ऑप्शन लगा लिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहलर। अगला देखते हैं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था छात्र को व्यवसायिक बनाती है, छात्र का समाजीकरण करती है, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है या छात्र को आध्यात्मिक बनाती है। तो देखिए, पहले तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, ठीक है, पहले आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कैसे, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ है यानी ये जो ये काम नहीं करती है, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, छात्र को व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती है। अगला देखते हैं,
वे शब्द जिनका बच्चे ना तो अर्थ जानते हैं और ना ही उनका प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सक्रिय, परिचित, अपरिचित या इनमें से कोई नहीं? यह हमारे हिंदी भाग का प्रश्न है। अब आगे के ये जो 10 प्रश्न है आपको हिंदी भाग से मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है मैक्सिमम हिंदी पैडागॉजी से लिया हुआ है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपरिचित। अगला देखते हैं, प्रश्न रचना के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 4, 5। तो क्या होती है दोस्तों, आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आप अपना उत्तर भी मार्क करते जाइए और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय परीक्षा में उत्तरों का आकार होना चाहिए, विस्तृत, छोटा, एक या दो शब्दों का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, आप मार्क कर लीजिए। इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एक या दो शब्दों का। ठीक है, अगला देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो कौन सा है दोस्तों? पर्याप्त स्थान, पर्याप्त उद्देश्य, परिकल्पना या समस्या। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन सर्वाधिक बोला है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, समस्या। ठीक है, अगला देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण हेतु हिंदी शिक्षक किस विधि का प्रयोग करता है? तो किस विधि का प्रयोग करता है, आपके ऑप्शन है निरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, क्रियात्मक अनुसंधान का या इनमें से किसी का नहीं। तो आप अपना सही ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरीक्षण विधि। अगला देखते हैं, तार्किक क्रम में विचार प्रस्तुत करना एक तत्व है, लेखन शिक्षण का, व्याकरण शिक्षण का, पठन शिक्षण का या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों अपना सही उत्तर आप मार्क कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेखन शिक्षण का। ठीक है, जो तार्किक क्रम का विचार होता है वे लेखन शिक्षण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, उच्चारण संबंधी दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? श्रव सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्यामपट्ट या प्रदर्शनार्थ चित्र। सही उत्तर आप इसमें तो आपको सही उत्तर पता ही चल गया होगा तो इसका सही ऑप्शन आपने लगा लिया होगा बहुत जल्दी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रव सहायक सामग्री। ठीक है, श्रव का मतलब देखिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें अगर बच्चा सुनता है तो सुन के प्रोनाउंस करना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, या ज्यादा अच्छा से एक्यूरेट बता सकता है। अगला देखिए, चित्र पुस्तिका है, दृश्य साधन, श्रव साधन, दृश्य श्रव साधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्र पुस्तिका की बात की है। ठीक है, तो अगर चित्र की बात की है तो ये किसका साधन जाएगा, आप अपना सही ऑप्शन लगा लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृश्य साधन। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण नहीं है? तो बाह्य गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिल्द तथा मूल्य, उपयोगी चित्र, आवरण कागज या रोचकता। तो अपना सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, रोचकता। क्यों? क्योंकि जिल्द तथा मूल्य ये पुस्तक के बाहर ही होता है, उपयोग चित्र भी लगा होता है, आवरण कागज भी लगा होता है, लेकिन जो रोचकता आती है वे किताब के अंदर रहती है। ठीक है, किताब के बाहर नहीं रहती है। अगला देखते हैं, बच्चों का शब्द भंडार कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप मार्क करिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार का। ठीक है, तो बच्चों का शब्द भंडार 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक दबाना मत भूलिए और जल्दी से आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में जितने भी नंबर आपने पाए सभी को जल्दी से जोड़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। और हाँ दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।